नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं स्वर्णिमा सिंह, आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं ऐसी खबर के साथ जो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। अपराधी पुलिस प्रशासन के लिए जहां चुनौती बने हुए हैं, वहीं समाज के लिए भी ये अपराधी एक खतरा है। कहते हैं कि अपराधी कोई जन्म से नहीं होता है, उसे समाज का माहौल और व्यवस्थाएं अपराधी बना देती हैं। अपराधियों को आपराधिक माहौल समाज के साथ साथ अपराधों को रोकने वाले ही कई बार पैदा करते हैं। अगर समय रहते अपराधों पर अंकुश लगाया जाए तो ना तो ये अपराध इतने बढ़ेंगे और ना ही अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। लेकिन कई बार अपराधियों से साठ गांठ कर कमाई का जरिया बनाने वाले पुलिस प्रशासन के चलते ही अपराधी सिर उठा कर चलते हैं। जब अति होने लगती है तब पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तब तक यह अपराधी सैकड़ों बेगुनाहों को अपना शिकार बना चुके होते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया में अपराधियों के गुंडई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। उक्त वीडियो फोटो की बात करें तो ज्यादातर अपराधों में अपराधी प्रशांत शुक्ला, शिवांग तिवारी उर्फ मंटू गैंग के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया ने इस पर सवाल उठाया तो कई अन्य पीड़ितों ने भी साहस जुटाकर शिकायत की। ताजा मामला सतना रीवा जिले की सीमा से जुड़े भदवा गांव का है, जहां एक सैकड़ा अपराधियों ने विगत माह से तांडव मचा रखा था। पीड़ित प्रशांत कुमार मिश्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करी, लेकिन उस पर भी इन्होंने चालान पेश करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि पीड़ित के द्वारा नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई थी। आधा सैकड़े से अधिक मोटरसाइकिल में सवार अपराधी पूरे गांव में तांडव मचा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने घर में घुसकर मोटरसाइकिल ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि युवक भाग कर अपनी जान बचाने में सफल रहा। हमलावर घंटों तांडव मचाते रहे और पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल रहा। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। अब लगातार अपराधी युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के पास शिकायत की है। उसने कई सामाजिक संगठनों से फरियाद की लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब वह दहशत भरी जिंदगी जी रहा है। पीड़ित की माने तो जिन लोगों के नाम आवेदन में लिखवाए गए थे उनके नाम तक नहीं लिखे गए और ना ही आरोपियों की पहचान की गई, जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी बिना नंबर की गाड़ियों में चेहरा बांधकर असलहों से लैस पूरे गांव में तांडव मचा रहे थे। ऐसा लगता है कि जंगल राज में डाकुओं का राज खत्म हुआ तो अब ये शहर में लौट आए हैं और इनके लूटपाट अवैध कारोबार में पुलिस प्रशासन और नेता सहयोग कर रहे हैं। दरअसल अब पीड़ित की माने तो हमलावरों में मुख्य रूप से प्रांशु शुक्ला रीवा, शिवांग तिवारी उर्फ मंटू तिवारी पिता विष्णु शंकर तिवारी झिरिया, दीपक साहू पिता अवधेश साहू निवासी करौंदी, रोहित तिवारी पिता लोकनाथ तिवारी निवासी ककलपुर, विवेक मिश्रा पिता मनसुख लाल मिश्रा निवासी भादवा, विक्की शुक्ला निवासी तुर्की, अनिल द्विवेदी निवासी किमलहा और उसके आधा सैकड़ा अन्य साथियों ने मारपीट कर लाखों का नुकसान किया था। पीड़ित की माने तो वह राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ शाखा अंगद सेना का अध्यक्ष है, जो अपने संघ में युवकों को सदस्यता दिलाता है और साथ ही मादक पदार्थों के सेवन का विरोध करता है। वहीं उक्त अपराधियों के द्वारा क्षेत्र में मादक पदार्थों की सप्लाई की जाती है, जिसका वह विरोध कर रहा था। अब इन अपराधियों को यह विरोध इतना नागवार गुजरा कि आरोपियों ने पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया। बताया तो यह भी जाता है कि इसी क्षेत्र का एक शातिर तस्कर रीवा में भी पत्रकारिता के नाम पर तस्करी कर रहा था, जो जेल भी जा चुका है। इन दिनों शराब कारोबार से जुड़ा है, जो राजनीतिक संरक्षण दिलाता है। शिकायतकर्ता के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा था तो सभी आरोपियों के द्वारा एकत्र होकर यह हमला किया गया। गत दिवस रीवा पुलिस के द्वारा चलाए गए बाइकर्स गैंग के खिलाफ मुहिम में आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने ना तो उन्हें रिमांड पे लिया और ना ही रीवा पुलिस आरोपियों के अन्य अपराधों के संबंध में कोई जानकारी जुटा पाई, जिसके चलते अब शिकायतकर्ता काफी भयभीत है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि साधारण व्यक्ति और रिटायर सेना के जवान के खिलाफ शिकायत हो तो पुलिस इतिहास जुटाना शुरू कर देती है और रासुका जैसी कार्रवाई करती है, लेकिन जब एक शातिर अपराधी जो रीवा सतना जिले के साथ साथ अन्य जिलों में भी अपराध को अंजाम देकर मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं, उनके गिरेबान पर हाथ डालने में इतना संकोच क्यों? देखने वाली बात यह है कि पुलिस इन गुंडों को चिन्हित कर कार्रवाई करती है या बाइकर्स गैंग के खिलाफ चलाई जा रही कार्यवाही सिर्फ एक दिखावा साबित होती है। साउथ है आदमी रहे, कम से कम 60 गाड़ी रहे दुपहिया, तीन तीन आदमी, कम से कम 50। प्रसन्न कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आपके ऊपर कुछ हमला हुआ था जी, हमला करने वाले कोरेक्स तस्कर और कुछ, हाँ, बताइए क्या हुआ, पुलिस क्या कार्रवाई की अभी? उसमें पुलिस अभी मतलब कार्रवाई कर दी, मुकदमा कायम किया है, पर अभी चलान पेश कोर्ट में नहीं किया गया है, जिस कारण से मेरे यहाँ घर में जो जो आए थे उनका नाम प्रांशु शुक्ला था और शिवांग तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, विवेक मिश्रा, दीपक साहू, बिक्कू शुक्ला और रोहित तिवारी, आशीष साहू, इतने लोग और मतलब थे बहुत लोग, मतलब इन लोगों को मैं चिन्ह पाता था, बाकी लोगों ने चिन्ह पाता गौछी बांधी थी, मैं फोटो भी आपको दिया था। क्या कारण था कि आपके ऊपर हमला किया? क्या कि मैं इसमें जो संघ है ना अपना बजरंग सेना सदन में मैं सदस्यता दिलाता था इधर उधर, तो क्या ये लोग इधर से फरार चल रहे थे, हमको लोग जानकारी मिली कि मंटू लोग ये तो उधर साइड मेरे गाँव साइड इनका ममियाऊर है तो उधर साइड जाते थे, तो यहाँ से 10-10 लड़के लोग जाते थे मतलब वहीं साइड, और ये कोरेस कोरेस की तस्करी करते थे, जिसमें से मेरे जो संघ के सदस्य थे उन्होंने मना किया इनको कि जाके वहीं दुकान में ऐसे उल्टा पुल्टा सब करते थे, मंचो मंचा सब यही चमकाते थे, तो मैं अध्यक्ष था, नगर अध्यक्ष था, तो मेरे से बोले तो हम कहें कि ठीक है उनको अभी आप ऐसे समझा दीजिए, नहीं तो चल के हम लोग आवेदन दे देंगे, तो ऐसा वहीं पर कोई और उसके आदमी भी रहे होंगे, तो उन्होंने उसको जानकारी दी, तो मेरे को फ़ोन लगाया तू कहाँ है, हम कहे बोले कि मैं घर में हूँ, मैं इतना जब बोल के रुतक 2 बजे दोपहर में आकर कम से कम 50 लड़के मेरे गांव में, आप जाकर अभी भी पूछेंगे ना तो सब बता देंगे कि आप क्या नुकसान किया, गाड़ी तोड़ा मेरा, ट्रैक्टर नया ट्रैक्टर मेरा तोड़ा गया पूरा, मेरी दोपहिया 1 लाख की आती हीरो हंडर इग्नाइटर जो आती है वो पूरी तोड़ दी गई, आज भी रखी है इसी तरह, मेरे पास इतना पैसा दाम नहीं है कि मैं बनवा सकूं, मैं किसान का लड़का हूं सर। अभी पकड़ गए हैं तो क्या पुलिस चलान पेश की वहां की पुलिस? अभी चलान नहीं पेश की सर, मैं 2-3 बार जा चुका सर, मैं कहता हूं चलान पेश, बस यही बोलते मेरे को चलान पेश कर देंगे पर चलान नहीं पेश कर रहे हैं। अभी रीवा आप आए हैं जी सर, DIG ऑफिस में मुलाकात हुई क्या? अभी सर तो मुलाकात नहीं हुई है सर, ही नहीं है आज जी, नहीं है सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर पुलिस इतना कर देती कि चिन्हित करके मतलब जितने मतलब अपराधी थे जिन लोगों को मैं नाम लिखाता हूँ जिनको चिन्हता हूँ उनके ऊपर, बाकी जो उनसे पूछताछ करके उनके ऊपर भी कार्रवाई कर दे। जो आपने वीडियो फोटो उपलब्ध कराया उसमें सब आरोपी दिख रहे हैं, तो पुलिस को भी दिया है आपने? वो भी हम उनको भी दिया है, पर उनमें कोई मतलब उनको नहीं है, ना कोई थाना लगता है, थाना ताला लगता है, कोई खतरा है कुछ? अब बहुत खतरा सर, अभी उनके कुछ ऐसे आदमी जो मेरे गांव में भी दोस्ती कर रखे हैं जो लोग ना लोकल हैं, तो वो लोग भी मेरे को जाने देते हैं, बस ये कहते हैं कि रिपोर्ट वापस कर ले नहीं तो तू भी जाएगा, मतलब जो मारपीट वाले वीडियो ना इसी तरह तेरी भी हालत होगी, अभी बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे, इसी तरह मेरे को धमकाते डरवाते रहते, मैं घर में रहता हूँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, बस मैं आज यही कारण से यहाँ आके मैं कर तो बहुत परेशान हूँ सर, मैं घर का गरीब लड़का हूँ, मेरी माता पिता सब परेशान है कि कैसे भी हो जाएगा, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ सर, मेरे ऊपर मतलब कि बहुत ऐसे प्रकरण सर ये कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं सर। ठीक है सर, मेरे को इसमें से न्याय दिला दीजिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो भी और अपराधी हैं उनके ऊपर सर, उनके ऊपर उनकी जांच करके उनके ऊपर भी मुकदमा कायम करके, मतलब जो अभी छूटे हैं उनके ऊपर चलान पेश कर दें। तो आप आए हैं तो IG और DIG से मिलकर उनसे शिकायत करिए। जी सर। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए Virat 24 न्यूज चैनल के साथ। अगर आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण फोटो या वीडियो है तो हमें उपलब्ध कराएं, हम आपकी आवाज़ बनकर प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।